नमस्कार, नजरबर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज़ैनब। आई देखिए आज की मुख्य खबरें। साथ मैं हूँ सिकंदर राणा। आज मैं आया हूँ सहारनपुर में मंडी समिति रोड। आपको दिखा रहा हूँ मैं चौकी निजात निगम के सामने हूँ। और निजात निगम में एक पिता का ये कहना था कि दो बच्चों को एक भरे हुए वाहन ने ऊपर से जो लकड़ियाँ आप देख रहे हैं कि लकड़ियाँ हैं, इसके अंदर लकड़ियाँ जैसे गिरी तो उसमें दो लड़के घायल हुए हैं, जिसमें एक लड़का गंभीर रूप से घायल है और दूसरे की कमर की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। मैं चाहूँगा उससे पहले मैं चौकी का बोर्ड दिखाऊंगा। मेरा कैमरामैन बोर्ड दिखाए कि मैं इस वक्त निर्यात निगम थाना मंडी की जो चौकी है मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और मैं दिखाऊंगा कि वो ट्रक भी जहाँ पर वो ट्रक बच्चों को एक्सीडेंट करके पुलिस ने रोक लिया गया था, इनका ये कहना है परिवार वालों का कि अब इन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है मुकदमा वापस लेने के लिए। तो मैं बात करूंगा सीधे सीधे उस बच्चे के पिता हमारे बीच में मौजूद हूँ। मैं चाहूंगा कैमरामैन मेरे साथ आगे तक आए और हम बात करेंगे उसके पिता से। जी मामला क्या है और कब की घटना है? घटना ये कल रात 9 बजे की है। बच्चे दुकान बढ़ा के अपने घर जा रहे थे और यहाँ पे ये जो रोड पड़ता है यहाँ पे लकड़ी का काम हो, ट्रक से ये बड़े बड़े जो होते हैं लकड़ी के वो गिराए उनके ऊपर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकरम। बच्चे कितने बड़े थे वो जिनकी चोट आई है? एक 17 साल का, एक 35 साल का। आपने तहरीर दी है पुलिस में? जी दी है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस यही हो रहा है, वो लोग आ रहे हैं फैसला करेंगे, अभी कोई लोग उधर से नहीं आया, बस यही है। और हम अब तक, कल से अब तक जो थे बच्चों की देखभाल में हॉस्पिटल में आने जाने का, पुलिस थाने में आने का हमें टाइम नहीं मिला। अब टाइम मिला है तो अब वो लोग नहीं है यहाँ। ये ट्रक ड्राइवर कहाँ का है? ये 62 फुट रोड का है। आप चाहते क्या है? पुलिस ने कब्जे में ट्रक को ले रखा है, आप चाहते क्या है? जी अभी कोई पक्का काम नहीं हुआ है, हम तो ये चाहते हैं जो भी मामला हो ऐसा हो इन्हें नसीहत मिल जाए, जो और लोग हैं उन्हें आगे को ये परेशानी ना हो। पुलिस कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। आप ये बता रहे हैं कि प्रेशर में लिया जा रहा है आपको फैसले के लिए, कौन लोग हैं? ये अखबार रिपोर्टर ही है, क्या नाम है इनका? शाहजेद खान। चलिए, फैसले के लिए तो कोई ना कोई आता है और बात के लिए बीच में कोई ना कोई पड़ता है। आप लोग कार्रवाई के मूड में, आप चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे? जी अब चाहते हैं। इससे पहले ये था कि जो भी कुछ हो गया छोड़ो, लेकिन कोई आदमी आके बच्चों को सिर पे हाथ तो रख दे, अगर हमारे से ये बिल्कुल बिल्कुल ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि कोई आकर बच्चों के सर पे हाथ तो रखे, कम से कम इनका दर्द तो जाने। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मंडी समिति रोड पे ओवरलोडिंग की समस्या सबसे ज्यादा है। ये मंडी समिति रोड का हाल है जहाँ से ये बता रहे हैं कि दो बच्चे इनके सर पे ये भारी लकड़ी गिरी है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टला है। यानी जान तो नहीं गई लेकिन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक तो अच्छा जी मुंडे में फ्रैक्चर हुए हैं, एक बच्चे के सिर पे गुम चोट है और हड्डी पे क्रैक सा आया है और कुल्ले की हड्डी छिटी हुई है। बता रहे हैं कि फ्रैक्चर है कुल्ले की हड्डी में भी और रीढ़ की हड्डी में भी, सर में गुम चोट है। ये सब सारी की सारी समस्या ओवरलोड वाहनों की है। हालांकि पुलिस के यहाँ बैरिकेडेड लगते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हमारे चैनल को देखते हैं कि ओवरलोड पे भी ध्यान दिया जाए। ओवरलोड की वजह से यहाँ आए दिन क्रेनों में हादसे होते हैं, क्रेनों से कई बार यहाँ ईदगाह के सामने हादसे हुए हैं, कई लोगों की जान गई है, लेकिन प्रशासन की कान पे बिल्कुल जूं नहीं रेंगती। तो यहाँ मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ सहारनपुर वासियों के, भीड़ को नियंत्रण के लिए आपको भी आना पड़ेगा सामने और प्रशासन को भी आपके सामने आना पड़ेगा। तो यहाँ मैं प्रोग्राम को रोकता हूँ, कैमरामैन सलीम अहमद के साथ, NBD न्यूज़ सिकंदर राणा के साथ।